भगवान और भक्त के बीच का रिश्ता कितना खूबसूरत होता है, ये पुराणों में वर्णित अनेकों कथाओं और प्रसंगों से प्रमाणित होता है। आज हम प्रभु श्री राम के सबसे बड़े भक्त भगवान हनुमान से जुड़े प्रभु और भक्त के अटूट प्रेम को दर्शाते हुए एक ऐसे ही प्रसंग के बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए, त्रेता युग में भगवान राम के अयोध्या लौटने और उनके राज्य अभिषेक होने के बाद उन्होंने एक बार उन सभी वानर प्रमुखों के लिए दावत की व्यवस्था करने का फैसला किया जिन्होंने रावण पर युद्ध जीतने में उनकी मदद की थी। उन्होंने हनुमान से कहा कि वह भोज की सभी व्यवस्थाओं का ध्यान रखे और उन सभी के लिए भोजन पकाने में माता सीता की मदद करे। अपने प्रभु श्री राम की आज्ञा का निष्ठापूर्वक पालन करते हुए हनुमान जी भोज की सभी व्यवस्था करने में कड़ी मेहनत करने लगे और इस प्रक्रिया में एक मिनट का भी विश्राम नहीं किया। माता सीता जो उन्हें देखती हैं, उनकी अथक सेवा से बहुत प्रसन्न होती हैं। उन्हें लगता है कि हनुमान जो भी कड़ी मेहनत कर रहे हैं उसके लिए वह उनके द्वारा परोसे गए विशेष भोजन के हकदार है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को भोजन परोसती है, वह उन्हें बुलाती है और दावत शुरू होने से पहले उन्हें दोपहर का भोजन करने के लिए कहती है ताकि उन्हें दावत के लिए आने वाले सभी वानरों की सेवा करने की ऊर्जा मिल सके। श्री राम या माता सीता जो भी आदेश दे, हनुमान उनका पालन सदैव करते हैं। इसी तरह वे माता सीता की इस बात को भी मान लेते हैं और माता सीता द्वारा परोसे गए भोजन को खाने लगते हैं। उन्हें जो कुछ भी परोसा जाता है वे खाते चले जाते हैं और दावत के लिए तैयार किए गए सभी भोजन को समाप्त कर देते हैं। इससे माता सीता आश्चर्यचकित और व्याकुल हो जाती है और हनुमान जी की भूख मिटाने के लिए जल्दी से और भोजन तैयार करती है। हनुमान जी वह भी खा लेते हैं और पुनः भोजन की मांग करते हैं। माता सीता कुछ और भोजन बनाती है लेकिन वह भोजन फिर से क्षण भर में समाप्त हो जाता है। अब रसोई में उन्हें परोसने के लिए कुछ भी नहीं बचता है। ये देख माता सीता चिंतित हो जाती है और भगवान राम के पास सहायता मांगने पहुंचती है। माता सीता की बात सुनकर भगवान राम मुस्कुराते हुए माता सीता से कहते हैं कि हनुमान कोई और नहीं बल्कि 11 रुद्र अवतारों में से एक है और वह तीनों लोकों को अपने पेट में धारण करते हैं। अब केवल सच्ची प्रार्थना से ही उनकी भूख शांत हो सकती है। श्री राम ने उन्हें हनुमान जी को तुलसी दल देने और उनसे प्रार्थना करने के लिए कहा। माता सीता हनुमान जी के पास जाती है और उन्हें तुलसी दल प्रदान करते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करती है। तभी हनुमान जी की भूख शांत हो जाती है। आपको बता दें कि तुलसी दल भगवान विष्णु को बेहद प्रिय है और सदैव उनकी पूजा में उन्हें अर्पित किया जाता है। जब तुलसी दल हनुमान जी को अर्पित किया जाता है तो यह भगवान राम को अर्पित करने के बराबर होता है। और क्योंकि हनुमान जी भगवान राम के प्रबल अनुयायी हैं, इसीलिए उनकी भूख एक छोटी तुलसी दल से भी संतुष्ट हो जाती है। इस प्रसंग से ये ज्ञात होता है कि भगवान राम और हनुमान जी एक दूसरे के प्रति कितना सम्मान रखते हैं और वे एक दूसरे को कितनी अच्छी तरह समझते हैं। भगवान हनुमान केवल प्रभु श्री राम के प्रिय ही नहीं है अपितु वे माता सीता का भी सम्मान अर्जित करते हैं। इसीलिए श्री राम दरबार के प्रत्येक चित्र में माता सीता का हाथ हमेशा अपने प्रिय पुत्र को आशीर्वाद देते हुए देखा जाता है। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।